कोरोना वायरस को लेकर रशिया ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने की खुशखबरी रशिया ने दी है। नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स के शुरू होने के 2 महीने के अंदर ही ये खुशखबरी आ गई है। अगर ये दावा सच साबित हो गया तो रशिया COVID-19 वैक्सीन की रेस का विजेता साबित हो जाएगा। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। तो इस वीडियो में आपको दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के बारे में वो सब बताएंगे जो आपको पता रहना चाहिए। The Russian President Vladimir Putin says his country has registered the world's first, very first according to him, coronavirus vaccine. रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी जानकारी देते हुए ये कहा है कि वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस वैक्सीन को उन्होंने अपनी बेटी को भी लगवाया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन ने ये बताया है कि उनकी 2 में से 1 बेटी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था और वैक्सीन के आने के बाद उन्होंने इस वैक्सीन का टीका अपनी बेटी को भी लगवाया। इसके बाद उन्हें बुखार आ गया जिसे पैरासिटामोल की मदद से ठीक कर दिया गया और अब वे बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस उपलब्धि को दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गमलिया इंस्टीट्यूट ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। इस वैक्सीन की तैयारी में एडिनो वायरस का इस्तेमाल हुआ है जो कि चिंपांजियों में पाया जाता है, जो कि एक कॉमन कोल्ड वायरस होता है। इस वायरस की मदद से शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन भी ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका से मिलती जुलती है क्योंकि दोनों को ही एडिनो वायरस के जरिए बनाया गया है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 76 वॉलंटियर्स में इसका क्लिनिकल ट्रायल 18 जून से शुरू हो गया था, जिसमें से ये वैक्सीन आधे लोग को इंजेक्शन के तौर पे दी गई और आधे लोग को सोल्यूबल पाउडर के तौर पे दी गई और 20 जुलाई तक इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। उनका दावा था कि 21 दिनों के अंदर सभी में इम्यूनिटी देखी गई और दूसरा डोज देने के बाद उनकी इम्यूनिटी भी डबल हो गई। गमलिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने यह भी बताया है कि अब इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ इसके फेज 3 के ट्रायल्स भी होते रहेंगे। इस वैक्सीन का नाम रशिया ने स्पुतनिक 5 रखा है। ये नाम दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक के आधार पर रखा गया है जिसे सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। स्पुतनिक वैक्सीन के साथ फिर एक बार रशिया इतिहास के पन्नों में पहले स्थान में जगह बनाना चाहता है। सितंबर में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और देश भर में अक्टूबर में इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि मास वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन का पूरा खर्चा वहाँ की सरकार उठाने वाली है और वहाँ की आम जनता को इसका 1 रूबल भी नहीं देना होगा। रही बात भारत में ये वैक्सीन कब तक आ सकती है तो इसके बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। हालांकि साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स इस वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को लेकर आशंकाएं जता रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने रशिया को रिक्वेस्ट भी किया है कि वे वैक्सीन बनाने की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। WHO का कहना है कि रशिया को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना बड़े पैमाने में टेस्ट करवाए किसी वैक्सीन को मार्केट में लाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसके मुताबिक जून के बाद से रशिया ने इस वैक्सीन को लेकर कोई भी डेटा पब्लिश नहीं करवाया है, जबकि नियमों के हिसाब से इसे पब्लिश करवाना चाहिए था। एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ECTO रशिया की मल्टीनेशनल कंपनी का संगठन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराती है। इसका कहना है कि 100 से भी कम लोगों में इसका टेस्ट करवाया गया है। बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। जब सब कॉरपोरेशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो रशिया क्यों नहीं। लोगों को इस वैक्सीन को लेकर शक इसलिए भी है क्योंकि रशिया ने इस वैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी पब्लिश नहीं की है। इसके साथ साथ रशिया पर ये भी आरोप लगे थे कि वहाँ के कुछ हैकर्स ने अमेरिका और ब्रिटेन से वैक्सीन के फॉर्मूला चुराए हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल्स के राउंड पूरे नहीं किए हैं जो कि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का ये कहना है कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी को डेवलप करने में कारगर साबित हुई है और इसने सभी परीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। वैक्सीन के जल्दी बन जाने पे रशिया का दावा ये है कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है वो उस वैक्सीन से बेहद मेल खाती है जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि MERS के लिए तैयार की गई थी, जो एक अलग कोरोना वायरस से फैलती है, और इस वैक्सीन का टेस्ट बहुत अधिक मात्रा में किया जा चुका है। किरिल दिमित्री ने यह भी बताया कि इस वैक्सीन को लेकर उन्हें 20 देशों से करीब 100 करोड़ वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट भी आ चुकी है, जिसमें से भारत भी एक देश है। आज दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, जिसमें से 29 वैक्सीन आज ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंच चुकी है, यानी कि इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, और 7 वैक्सीन ऐसी है जो आखिरी ट्रायल्स में है यानी कि फाइनल फेज में है। इस चरण में हजारों लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है। रशिया की इस वैक्सीन का सच थोड़े समय में सामने आ ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम घर में रहें, बाहर मास्क लगाएं और हाथों को रेगुलरली धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें।